नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। चलिए रुख करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। उत्तराखंड के आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने पौड़ी के माल रोड पर बनने वाले जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अस्पताल का शिलान्यास किया है। हरक सिंह ने बताया कि आयुर्वेदिक अस्पताल के साथ साथ इसमें वेलनेस सेंटर भी संचालित किया जाएगा, जिसमें योगा आदि भी सिखाया जाएगा, जिससे लोग स्वस्थ रह सकें। हर सिंह रावत ने बताया कि पौड़ी उनको अपने घर जैसा लगता है, यहाँ के लोगों ने उनको हमेशा सहयोग किया है। हरक सिंह ने कहा कि वो एक तेज तर्रार मंत्री हैं और अपनी इसी कार्यप्रणाली के चक्कर उनकी अपनी सरकार से भी अनबन चलती रहती है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ काम में भरोसा करता हूँ, घोषणाओं में नहीं। मुख्यमंत्री द्वारा विकास प्राधिकरण को वापस लेने की घोषणा पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अभी तक इस पर शासनादेश आ जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं आया। आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी सुभाष कुमार ने बताया इस भवन के निर्माण में 2,88,00,000 का खर्चा आएगा और इसका फरवरी 2022 तक काम पूरा कर लिया जाएगा। आयुर्वेदिक भवन की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि हम वेलनेस सेंटर भी बनाना चाहते थे, लेकिन अपना भवन न होने के कारण, ना होम्योपैथी का अपना भवन था, ना आयुर्वेद का अपना भवन था, उससे बहुत बड़ी दिक्कतें लोगों को हो रही थी। और इसलिए आज हमें खुशी है कि 3 करोड़ की लागत से हमारा ये आयुर्वेदिक भवन का आज शिलान्यास हुआ है। इस पर होम्योपैथी को सबसे बड़ी बात की, इस पर नीचे हमने पार्किंग दी है, ऊपर ऑफिस दिया है और इस पर वेलनेस सेंटर दिया है। योगा भी इसमें, योगा का एक हॉल भी बनेगा। तो मैं सोचता हूँ ये एक बहुत 3 करोड़ रुपए की लागत से ये हमारा भवन बनेगा और भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस भवन के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार धनराशि उपलब्ध कराएगी। आज पौड़ी जनपद के लिए, पौड़ी शहर के लिए ये मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो आज इस आयुर्वेदिक भवन का शिलान्यास हम कर रहे हैं, होम्योपैथी भवन का शिलान्यास कर रहे हैं, तो ये वेलनेस सेंटर का आज शिलान्यास हो रहा है, योगा सेंटर के रूप में इसका शिलान्यास हम कर रहे हैं। लाल कुआं के हल्दू चौड़ शिवालिकपुरम में व्यापारी से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। हल्द्वानी में जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस टीम तलाश कर रही है, जिसके इनके कब्जे से जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लूटे गए 1,00,000 रुपए और लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद कर ली गई है। इस घटना में इस्तेमाल की गई होंडा सिटी कार, एक मोटरसाइकिल सहित 2 तमंचे और एक देसी रिवॉल्वर भी बरामद हुए हैं। दरअसल शुक्रवार की रात को लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के हल्दू चौड़ इलाके के शिवालिकपुरम कॉलोनी में अपने घर के बाहर कार से पहुंचे व्यापारी राजाराम शर्मा से अज्ञात बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर 1,50,000 रुपए और लाइसेंसी रिवॉल्वर लूट ली थी। इस घटना के बाद से पुलिस और एसओजी टीम मामले की छानबीन में जुट गए थे। पकड़े गए आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई के रहने वाले हैं। पुलिस इन सभी का आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। खुलासा करने वाली टीम को आईजी कुमाऊं ने 5,000 रुपए का इनाम दिया है। 26 तारीख की शाम को कोतवाली लालकुआ में सूचना आई है। वादी ने बताया है कि उनका पैसों से भरा हुआ बैग, जिसमें 1,50,000 रुपए थे और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर जो है, वो किसी ने उनको तमंचा दिखा करके और वहाँ से लूट करके काली कलर की गाड़ी में बैठ के, जिसका नंबर UP 27 से शुरू होता है, वहाँ से भागे गए हैं। इस सूचना पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया है, नाकेबंदी की गई है और आसपास संदिग्धों की पूछताछ की गई है। CCTV कैमराज भी इसमें चेक किए गए हैं। 6 लोग हमने इसमें गिरफ्तार किए हैं। उनके द्वारा ये कबूल किया गया है कि उस जो काली गाड़ी है उसमें 5 लोग टोटल बैठे हुए थे, जिनमें से 2 निकल करके उन्होंने तमंचा उनके ऊपर ताना है और फिर उसके बाद में पैसे का बैग लेकर के वो सारे उस गाड़ी से वहाँ निकले हैं। उनमें से जो गाड़ी में आगे बैठे थे और आगे की जो 2 सीटों में बैठे थे, उनको सबसे पहले गिरफ्तार किया गया है। जो पीछे 3 थे वो अलग अलग डायरेक्शंस में वहाँ पे पैसे बांट करके वहाँ से निकले हैं और बाइक पे जो 2 लोग थे वो उसके पहले रैकी में वो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे और साथ ही साथ भागने में वो वहाँ से निकल गए हैं। बाइक पे जो एक व्यक्ति और था उसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है, उसके लिए हमने टीम्स भेज रखी हैं। जल्द से जल्द हम उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे। टोटल हमने 1,05,000 रुपये जो हैं वो बरामद किए हैं, साथ ही साथ जो उसमें लाइसेंसी रिवॉल्वर जो वादी की गई थी वो भी बरामद की गई है। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त कार, घटना में प्रयुक्त जो बाइक थी और जो 3 रिवॉल्वर जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं वो भी बरामद किए गए हैं। धर्मनगरी में कुंभ मेले का आगाज हो गया है। आज श्री शंभू अटल अखाड़ा ने बड़ी धूमधाम और पूरे विधि विधान के साथ कुंभ मेले की धर्म ध्वजा की स्थापना की। इस दौरान अखाड़ा परिषद महामंत्री हरिगिरि महाराज, कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत, आईजी कुंभ संजय गुंजयाल समेत सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ये धर्म ध्वजा 52 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई है। इसकी लकड़ी को छिद्दरवाला के जंगलों से लाया गया है। आपको बता दें कि कुंभ मेले की शुरुआत सभी अखाड़ों द्वारा धर्म ध्वजा स्थापित करके ही
की जाती है। माना जाता है कि धर्मध्वजा स्थापित होने के बाद अखाड़ों का कुंभ मेला शुरू हो जाता है। धर्मध्वजा सन्यासी अखाड़ों में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है और धर्मध्वजा के नीचे ही नागा सन्यासियों को सन्यास की दीक्षा दी जाती है। पावन हाथ की धर्मध्वजा होती है और इसका एक सभी अखाड़े आते हैं एक दूसरे की धर्मध्वजा को उठाने के लिए इसमें, और हमारी तरफ से एक कुंभ मेले का शुभारंभ जो अटल अखाड़े का वो है इससे हो गया। पेशवाई वाले दिन हमारा पूरा रमता पंच यहाँ आ जाएगा। पेशवाई का रूट अभी कोविड-19 की वजह से अभी निर्धारित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जहाँ भी मार्ग से जो हमारा परंपरागत मार्ग है और जहाँ पे हमारी वो रुकती थी रमता पंच रुकता था और जहाँ से पेशवाई निकलती थी वहाँ से अभी रास्ते के अंदर काफ़ी सारी रुकावटें हैं जो प्रशासन द्वारा अभी तक साफ नहीं हो पाई, इसलिए पेशवाई का मार्ग निर्धारण हमारा 1-2 दिन में हो जाएगा। हल्द्वानी में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन और सोनू साइकिल द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कांग्रेसी नेता सुमित हृदेश ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इसे सकारात्मक पहल बताते हुए नशे से दूर रखने के लिए युवाओं को जागरूक करने की बात कही। नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने और खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई इस साइकिल रैली में प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को प्रशस्ति पत्र व प्राइज देकर सम्मानित किया गया। युवाओं में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने और अपने शरीर के प्रति स्वस्थ रहने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से साइकिल रैली की हर किसी ने सराहना की। आहूजा ने बताया कि श्रमजीवी पत्रकार यूनियन और सोनू साइकिल के तत्वाधान में आयोजित इस साइकिल रैली में युवाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया है। साइकिल रैली गोलापार इंटरनेशनल स्टेडियम से रोहिंसिला तक हुई है। यूनियन बधाई के पात्र हैं कि वो आयोजक मंडली के साथ उन्होंने ये बढ़िया कार्यक्रम कराया। स्पोर्ट्स की तरफ हम जितना युवाओं की जो ऊर्जा है उसको केंद्रित करेंगे उतना ही वो ऐसी चीज़ों से दूर रहेंगे, तो इसमें सामाजिक संदेश भी बहुत अच्छा है। प्रतिस्पर्धा की भी जो भावना जागती है, एक पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा की भावना जो जागती है वो भी बधाई के पात्र है। तो श्रमजीवी पत्रकार यूनियन को मैं इस नेक कार्य के लिए बधाई देता हूँ। उत्तराखंड कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने जा रही है। इसी के तहत कांग्रेस राज्य भर में 6 रैलियां निकालने जा रही है। इस जनाक्रोश रैली की शुरुआत 14 मार्च को श्रीनगर विधानसभा से होगी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में 3 जनाक्रोश रैलियां गढ़वाल मंडल में व 3 कुमाऊं मंडल में आयोजित की जाएंगी। आगामी 14 मार्च को श्रीनगर गढ़वाल से जनाक्रोश रैलियों का श्री गणेश किया जाएगा व 25 मार्च को हल्द्वानी में भी रैली होगी। जनाक्रोश रैलियों में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत राज्य के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। देखिए, आज उत्तराखंड में तमाम जो विषय है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, शिक्षा व्यवस्था हो, आज पूरे प्रदेश की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज में महंगाई अपने चरम पे है। सब्जियां हो, अनाज हो, खाने का तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, आसमान की तरफ महंगाई जा रही है। और रसोई गैस में तो आपको मालूम है, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करा है माता बहनों की रसोई पर। रसोई अब चूल्हा जल ही ना पाए ऐसा इंतजाम कर दिया। पहले दाल महंगी थी, मुश्किल पड़ रही थी, सब्जियां महंगी थी, मुश्किल पड़ रही थी, अनाज महंगा था, मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन अब मोदी जी ने कहा मुश्किल पड़ रही है, मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूं। रसोई गैस में इतनी कीमतें बढ़ा दी कि लोगों का चूल्हा ही न जले, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगार नौजवान जो पिछले 4 साल से रोजगार की तलाश कर रहा था, जिसको ये विश्वास था कि इतना प्रचंड बहुमत हम दे रहे हैं बीजेपी को, हमारी नौकरियों का इंतजाम होगा, हमारे रोजगार का इंतजाम होगा, 4 वर्षों में बेरोजगारी दर देश में सबसे ऊपर पहुंच गई। पहले पायदान में 22.3 की बेरोजगारी दर से उत्तराखंड आज सबसे ऊपर है। बेरोजगार नौजवान परेशान है, नौकरी लगने का काम नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी में काम कर रहे हैं, 15-15 सालों से उपनल में काम कर रहे हैं, पीआरडी में काम कर रहे हैं, पूरा स्वास्थ्य महकमा, पूरा शिक्षा महकमा पीआरडी और उपनल के कर्मियों से चल रहा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।